नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर हमीरपुर से है। मकान विवाद को लेकर हुई मारपीट, पिता ने ससुराली जनों से की मारपीट, दामाद समेत कई लोग हुए घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बड़ी जानकारी इस वक्त की हमीरपुर से दे रहे हैं, जहाँ पिता ने ससुराली जनों के साथ मारपीट की। इस मारपीट में दामाद समेत कई लोग घायल हो गए। आपको बता दें कि सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं अब इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं हमीरपुर से, जहां पर एक पिता ने अपने दामाद और उसके साथ आए हुए लोगों के साथ मारपीट की। इस मारपीट में दामाद और उसके साथ आए हुए लोग घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि मकान विवाद को लेकर मारपीट हुई, पिता ने ससुराली जनों के साथ जमकर मारपीट की। इस मारपीट में दामाद सहित कई लोग घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मारपीट की जा रही है, और अब इस मारपीट का वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमीरपुर से यह बड़ी खबर है, जहां पर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सत्यम सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सत्यम, मारपीट का वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है, क्या कुछ खबर है? जी बिल्कुल, बता दें अलका, ये पूरा ही मामला हमीरपुर मुख्यालय का है, जहां पर हमीरपुर में बेटी संग आए पिता व उसके साथियों ने ससुराल के मकान के विवाद को लेकर मारपीट हुई। उसमें बीच बचाव में दामाद और उसके परिवार के लोगों के साथ जमकर मारपीट कर डाली। इस मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल मारपीट समेत सात व अन्य लोगों को चोटें आई हैं, जिसका इलाज भी फिलहाल चल रहा है। जी सत्यम, क्या कुछ कार्रवाई की गई है इस मामले में पुलिस प्रशासन की तरफ से? क्या कोई जो तहरीर दी गई है इस मामले में? जी बिल्कुल, बता दें पूरे मामले पर जब हमने वहाँ के सदर कोतवाली के थाना प्रभारी से बात की, तो उनका कहना है कि दोनों पक्षों द्वारा तहरीर प्राप्त हुई है, वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और कार्रवाई प्रचलित है। जी सत्यम, जिस तरीके से ये बात सामने आई है कि मकान को लेकर ये विवाद हुआ, उसके बाद मारपीट हुई, क्या कुछ ये मामला है, मकान से जुड़ा क्या विवाद है? बिल्कुल बता दें, ये मकान से संबंधित कोई मामला है जिसको लेकर जो है मारपीट हुई है। फिलहाल अभी पूरी तरीके से जब हमने इस मामले से पुलिस से जानकारी ली, तो उनका इस मामले में कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन फिलहाल प्रथम दृष्टयांक यही बताया गया कि मकान को लेकर के ही ये मारपीट हुई है। जी सत्यम, जो लोग घायल हैं उनमें से किसी की हालत गंभीर भी है? बिल्कुल बता दें, इस मारपीट में जो है फिलहाल किसी को ज्यादा गंभीर चोटें नहीं आई है, लेकिन मामूली चोटें हैं, फिलहाल सबका इलाज जारी है। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद सत्यम इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त की हमीरपुर पर टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जहां पर एक पिता ने ससुराली जनों की जमकर पिटाई कर दी, और अब इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से छीना झपटी की जा रही है, मारपीट की जा रही है, घसीटा जा रहा है। वीडियो में आपको साफ तस्वीरें मारपीट की नजर आ रही हैं। मकान के विवाद को लेकर बात कहा सुनी हुई, और इसके बाद ये कहा सुनी जो है वो मारपीट में बदल गई। इस घटना में दामाद सहित कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। फिलहाल इस मामले में पुलिस के की तरफ से कुछ कहा नहीं गया है। अभी लगातार जो है ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से छीना झपटी हो रही है। वहीं रायबरेली में पुलिस ने कई महीनों की मशक्कत के बाद लोगों के साथ मदद के नाम पर लूट करने वाले व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक 9 जनवरी 2022 को रायबरेली के सुपरमार्केट स्थित एसबीआई की मेन ब्रांच में राजेंद्र कुमार एफडी रिन्यू कराने आए थे। इसी दौरान ब्रज कुमार बाघवानी नाम के व्यक्ति ने मदद के नाम पर उनका विश्वास जीता, और उसके बाद
5,00,000 रुपए लेकर फरार हो गया। तभी से पुलिस ब्रज कुमार बागवानी की तलाश कर रही थी और अब जाकर ब्रज कुमार बागवानी पुलिस के हत्थे चढ़ा है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से उसका कारोबार बर्बाद हो गया, जिसके बाद उसने लोगों को लूटने का काम शुरू कर दिया। उसने भोपाल, मुंबई, दिल्ली और लखनऊ सहित कई जगहों पर लूट की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 1,50,000 रुपए कैश सहित कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट भी बरामद किए हैं। सर, पूछताछ में क्या सामने आया, ये लोग कैसे, ये कैसे आया था और कैसे गया था? देखिए, वो घटनाक्रम तो मैं पूर्व बता चुका हूँ, लेकिन उल्लेखनीय ये है कि ये जब सीसीटीवी फुटेज देखा गया था तो ये पता चला कि एक ई रिक्शा से वहाँ पहुँचा था और निकल के यहाँ से ई रिक्शा ही पकड़ करके वो आगे गया। बाद में जब हम लोग ने और छानबीन की तो पता चला कि इन्होंने एयर टिकट कराया था यहाँ से, और एयर टिकट करा के यहाँ से सीधा मुंबई चले गए थे। फिर हमारी टीम ने मुंबई में भी इनका पीछा किया, लेकिन फिर ये भी पता चला कि मुंबई से कहीं और भ्रमण पर चले गए। कई दिनों तक ये इनको जो ट्रैक किया जा रहा था उसे हम लोग को ये पता चला कि कई दिनों तक ये अमृतसर में रहे, फिर अमृतसर से वापस आए, और ये तमाम यात्राएँ उन्होंने महंगे ट्रेन्स और हवाई जहाज में। मेरा नाम आरपी सिंह है। आज जो है आपका पैसा रिकवर हुआ है, तो क्या कहना है आपका? नहीं, ये जो इस तरह से एक प्रकार से सट के था, पता नहीं था कौन आदमी है, कहाँ का है, और पुलिस ने बिना किसी मतलब आधार के इतना बड़ा मामला ट्रेस कर दिया। ये उनकी मेहनत और कर्मनिष्ठा और उनकी ईमानदारी का परिचायक है। पैसा ज़रूर उसने कुछ खर्च किया है, ये अब उसकी बात है, लेकिन जहाँ तक पुलिस का प्रयास का है, हम तो कोई कमी नहीं देख रहे हैं। रैवली पुलिस के बारे में क्या संदेश देंगे, कैसा काम? नहीं, पुलिस क्या कहना चाहेंगे? नहीं, रायबरेली पुलिस का काम बहुत ही सराहनीय रहा है, प्रशंसनीय है, इससे ज़्यादा और क्या बोलूँ। नाम है आपका? मेरा। वही अगली बड़ी खबर उन्नाव से है, जहां उन्नाव रेप पीड़िता की अग्रिम जमानत का मामला है। दिल्ली हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस पर 6 हफ्ते में जवाब मांगा है। मामले में हाई कोर्ट 1 मार्च 2023 को सुनवाई करेगा। तो यूपी सरकार से मामले में उन्नाव रेप केस मामले में जवाब मांगा गया है दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से। 6 हफ्ते में हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है। आपको बता दें कि इस मामले में लगातार दिल्ली में हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा है और 1 मार्च 2023 को अगली सुनवाई होगी, लेकिन कोर्ट ने उन्नाव रेप पीड़िता की अग्रिम जमानत से जुड़े मामले को लेकर यूपी सरकार से जवाब मांगा है। दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से नोटिस भी जारी की गई है और 6 दिनों के भीतर इस मामले में जवाब मांगा गया है दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से। वही करनाल जिला परिषद के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का चुनाव हुआ। सर्वसम्मत से बीजेपी समर्थित वार्ड नंबर 14 से प्रवेश कुमारी बनी चेयरमैन, वार्ड नंबर 16 से रीना खरकाली बनी वाइस चेयरमैन। बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिली। वहीं करनाल के घरौंडा से बीजेपी हरविंदर कल्याण और इंद्री से बीजेपी विधायक राम कुमार कश्यप ने चेयरमैन और वाइस चेयरमैन दोनों को पहुंचकर बधाई दी। मंत्री जी की नीतियों की, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की जीत है, और जिस प्रकार से कल हमारे 25 के 25 पार्षद माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रदेश अध्यक्ष जी से मिलकर आए थे, उनका आशीर्वाद लेकर आए थे, और ये जो भी ये पार्षदों ने जाकर जिस प्रकार से जो भी अपनी राय माननीय मुख्यमंत्री जी को और प्रदेश अध्यक्ष जी को दी थी, उसी के अनुरूप यमुनानगर जिले के सभी कानूनगो और पटवारी जिला सचिवालय पर 3 दिन के धरने पर बैठे हैं। जानकारी देते हुए जिला प्रधान रामफल गुर्जर ने बताया कि प्रदेश कार्यकारिणी के दिशा निर्देशों के अनुसार जिले के सभी कानूनगो और पटवारी जिला सचिवालय पर इकट्ठा होकर 3 दिन के धरने पर बैठे हैं। पटवारियों को पे ग्रेड बढ़ाकर दे, तो जितने भी
हमारे काम होते हैं जो कि पृष्ठभूमि के कार्य हैं, जैसे कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा, या किसानों को खराबा मुआवजी राशि का वितरण, या कहीं पर भी कोई लैंड एक्विजिशन होता है उसके लिए मुआवजा देना, या अन्य सभी कार्य जैसे रिहायशी प्रमाण पत्र जारी करना, या किसी की जाति का सर्टिफिकेट बनाना, जन्म प्रमाण पत्र की फाइलें चलाना, और उससे अलग भी जितने भी धरातल के कार्य हैं सभी पटवारियों के द्वारा किए जाते हैं। ऐसी कोई भी कार्यविधि नहीं है प्रशासन की जिसमें पटवारी का रोल ना रहता हो, और पटवारी सुबह से शाम तक अपनी मोटरसाइकिल पे या जैसे भी उसके पास कोई भी व्हीकल होता है या किसी भी की हेल्प लेके वो सारा दिन फील्ड में घूमता है, उसके बाद दफ्तर का कार्य भी करता है, लेकिन उसके बाद भी उसका वेतनमान बढ़ाने में सरकार इतना संकोच कर रही है कि उसको। आगरा के ताजगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक स्पा पर छापा मारा, जहां पर 7 युवतियों समेत कुल 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें थाईलैंड और म्यांमार की युवतियां भी शामिल हैं। वहीं बता दें कि सभी जिस्म फरोशी में शामिल बताई जा रही हैं। कुछ लोगों को पकड़ा है, क्या क्या संख्या है, क्या जानकारी है? ये कल थाना ताजगंज पुलिस को सूचना मिली थी कि एक फतेहाबाद रोड स्थित स्पा पर स्पा की आड़ में देह व्यापार का धंधा देशी विदेशी महिलाओं से कराया जा रहा है। इस सूचना पर थाना ताजगंज पुलिस एएसटीयू की टीम और हमने जो है छापेमारी करी, तो वहां से हमने 7 महिलाएं, जिनमें से 3 महिलाएं थाईलैंड की निवासी हैं, 2 म्यांमार की हैं और 2 महिलाएं नॉर्थ ईस्ट की रहने वाली हैं, इनको पकड़ा गया और वहां पे 8 पुरुषों को भी पकड़ा गया। मौके से देह व्यापार से संबंधित संदिग्ध वस्तुएं बरामद हुई हैं और रुपए पैसे बरामद हुए हैं। सभी ने स्वीकार किया है कि वो वहां पे स्पा की आड़ में देह व्यापार का काम करते हैं। अगली खबर गोरखपुर से है, जहां फांसी के फंदे से एक नाबालिग छात्रा का शव लटकते हुए मिला। ये पूरा मामला गोरखनाथ इलाके के काली मंदिर गले स्थित पुरदिलपुर मोहल्ले का है। मिली जानकारी के मुताबिक जिस वक्त ये घटना हुई उस समय छात्रा के परिवार के लोग किसी काम की वजह से अपने गांव गए हुए थे। मृतका के परिजनों का आरोप है कि मकान मालिक और 2 किराएदारों ने उनकी बेटी का दुष्कर्म किया, फिर तकिए से उसका मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी। बिना परिवार को बताए ही पुलिस को बुलाकर बेटी का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि मकान मालिक पहले भी 2 बार बेटी के साथ छेड़छाड़ कर चुका है। क्या हुआ? मेरी बेटी के साथ बलात्कार करके बेटी के साथ धमकाए हैं जुगुल चाचा, जुगुल गुप्ता मकान मालिक, धमकाए हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा हो गया, लेकिन मम्मी पापा से मत बताना। वो बोली हम बताएंगे, तो उसको का किए हैं गला तकिया से दबा के मुंगा के उसके बाद पंखा में लटका दिए हैं। अब पंखा बिल्कुल बंद है, अब बिछौना एकदम धंगरा गया है। उसके बाद में लड़की एकदम मर गई, खत्म हो गई, लड़की के साथ ही ये काम हुआ है। जुगुल चाचा 10:30 यहाँ पे आए थे और उसके बाद में 10:30 आए और हमारे पास 3:30 में फोन किए कि आप कल हम आए हैं आपके घर, मतलब अपने घर पे आए हैं, आप कहाँ हैं? तो हम कहनी है कि हम लोग गांव आए हैं, कुछ काम हो रहा है, आदमी शनिवार को 1 गोरखपुर से चले हैं, बच्ची के समझा बुझा के और मन्नू के जायसवाल के बुआ के यहाँ सोने के लिए बोल दिए हैं, वो सोएगी वहाँ पे। अच्छा, आपकी बेटी करती क्या थी? बेटी मेरे साथ काम करती थी। क्या काम करती थी? पढ़ती भी थी, काम भी करती थी। अच्छा, घर घर काम करती? हाँ, मेरे साथ। अच्छा, 2-3 जगह मेरे साथ। क्या नाम है? अमरचंद रोहनियार। क्या लगते हैं लड़की के? लड़की का हम चाचा लगते हैं। लड़की यहाँ पर रेखा रहती है, हमारा भतीजी है। वो मतलब किराए मकान पर रहती है। मकान मालिक का नाम है जुगुल गुप्ता। वो हम लोग चल जाते हैं घर पे, चाहे कहीं भी चल जाते हैं, काम वाम करने के लिए चल जाते हैं, तो 2-3 बार लड़की को छेड़ता है। तो लड़की डर के मारे बताती नहीं है किसी से कि हम लोग उसको मार देंगे चाहे झगड़ा कर लेंगे, इसीलिए नहीं बताती है। तो हम लोग, हमारा भाभी है, वो चली गए थे गांव, घर बनवा रही है, मकान बनवा रही थी। तो लड़की को एक दिन के लिए यहाँ पर किराए का मकान लिए हैं, मतलब वो छोड़ के गए थी एक दिन के लिए। हम लोग के पास फ़ोन नहीं किए थी कि हमारा लड़की का देखभाल करना, तनी हम लोग पास नहीं देखे थे।
तो हम लोग का मौका उपाया है, मकान मालिक एक कांड कर दिए हैं। क्या किया है? रेप कर दिए हैं, रेप कर उसको तकिया लगा कर उसको मार डाले हैं, उसके बाद गला में फांसी। वहीं अगली बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां नगर निकाय ओबीसी आरक्षण का मामला हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच कल फैसला सुनाएगी। अब इस मामले में 24 दिसंबर की सुनवाई जजमेंट का दिन रखा गया है रिजर्व। सभी राजनीतिक दलों को फैसले का इंतजार है। आपको बता दें कि 24 दिसंबर को जजमेंट रखा गया है और इस कोर्ट के फैसले की सभी राजनीतिक दलों को दरकार है। सभी राजनीतिक दल बेसब्री से इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां नगर निकाय ओबीसी आरक्षण का मामला कोर्ट पहुंचा है और कोर्ट कल सुनाएगा इस मामले में फैसला। सभी राजनीतिक दलों को इस फैसले की घड़ी का इंतजार है। 24 दिसंबर को जजमेंट रिजर्व रखा गया है। आपको बता दें कि बड़ी खबर है ये लखनऊ से है, जो नगर निकाय चुनाव को लेकर फैसला हाईकोर्ट की तरफ से दिया जाने वाला है ओबीसी आरक्षण के मामले में। अब वो उसे सुरक्षित रख लिया गया है कल के लिए, कल फैसला आएगा। सभी राजनीतिक दलों को बेसब्री से इसका इंतजार है। वहीं राजधानी लखनऊ के गुडुम्बा थाना क्षेत्र में 13 दिसंबर को हुई मां लक्ष्मी ज्वेलर्स की दुकान मालिक से बड़ी लूट का पुलिस ने खुलासा करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए चारों लुटेरों के पास से लूट के सोने चांदी के जेवरात, कैश, अवैध पिस्टल, कारतूस और घटना में शामिल दो मोटरसाइकिल बरामद की गई है। माँ लक्ष्मी ज्वेलर्स में घटना हुई थी, लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें चार अज्ञात लोग शामिल थे। घटना होने के बाद इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया था और इस अभियोग का सफल अनावरण हुआ है, जिसमें कुल चार व्यक्तियों की अरेस्टिंग हुई है, जिनका नाम है दीपक प्रधान, आर्यन प्रधान, भोला प्रधान और अर्जुन प्रधान। ये सभी चारों जो अभियुक्त हैं, ये उड़ीसा के जाजमो गंजम डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। इन्होंने 12 तारीख को इस जहाँ पर ये ज्वेलर था, इसकी दुकान की रेकी किया, जहाँ पर घटना हुई उस जगह का एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स इसने देखे, रेकी किया और उसके बाद 13 तारीख को सुनियोजित ढंग से दो बाइक पर ये लोग आते हैं और पूरी घटना। उत्तर प्रदेश की जनपद शाहजहांपुर क्षेत्र के नगर पंचायत बांदा के ब्लॉक का मामला है, जहां पर सभागार में क्षेत्रीय पंचायत की मीटिंग में ग्राम प्रधान और बीडीसी मेंबर की मीटिंग हुई है। क्षेत्र के पंचायत की बीडीसी मेंबर ने बताया कि सभी क्षेत्र के बीडीसी मेंबर की आज ब्लॉक बांदा में मीटिंग हुई है और वहीं सभी लोगों के रजिस्टर में हस्ताक्षर भी लिए गए हैं। सरकार द्वारा हम लोगों के लिए ₹1,000 प्रति मीटिंग का पैसा आता है, वो पैसा हम लोगों को नहीं मिल रहा। अब देखना ये है कि क्या इन सभी बीडीसी मेंबर्स को इनका हक मिल पाएगा। हमारी मीटिंग हुई, हमने अपनी बात रखी, बुलाया गया पर मानदेय नहीं दिया गया हमें। कब से? हमें अपना मानदेय चाहिए, हमें 2 साल से मानदेय नहीं मिला। क्या कह रहे हैं? हमारा यही कहना है, जो हमारा अधिकार है वो हमें दिया जाए, जो हमारा मानदेय है वो हमें दिया जाए, हमारा सबका यही कहना है। वहीं मिसेज इंडिया 2022 का खिताब जीतकर अपने घर मिर्जापुर पहुंची वैशाली वर्मा का ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। रेलवे स्टेशन से लेकर उनके घर तक बधाई देने वाले लोगों की लंबी कतारें लगी हुई थी। प्रदेश के साथ देश का गौरव अंतर्राष्ट्रीय फलक पर बढ़ाने वाली वैशाली ने कड़ी मेहनत और लगन को सफलता की सीढ़ी बताया। क्या कुछ कहा, आइए आपको बताते हैं।